हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आपका मेरे चैनल मनोज हेल्थ लाइफ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे मलाई रबड़ी। देखिए, ये बनाने में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मलाई रबड़ी। देखिए फ्रेंड्स, हमें रबड़ी बनाने के लिए एक पैन में 1 लीटर दूध लेना है। ये दूध मैंने फुल फैट का दूध लिया है फ्रेंड्स, और ये दूध हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए फ्रेंड्स। और गैस की फ्लेम आप लो ही रखी है, इसी तरह आप लगातार चलाते रहिए फ्रेंड्स। धीरे धीरे दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है फ्रेंड्स, और दूध उबालते वक्त आप ध्यान में रखिए कि ये साइड की जो मलाई है या आप इस तरह से चम्मच से निकालते जाइए और लगातार चलाते रहिए फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। देखिए इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए फ्रेंड्स हमारा दूध रबड़ी के लिए। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, और ये काजू बादाम पिस्ता है फ्रेंड्स दरदरे कूटे हुए, और आधा कप शक्कर है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए ये डाल के अब हम थोड़ी देर और इसे चलाएंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा गाढ़ा होने देंगे हमारी मलाई रबड़ी के लिए। इसी तरह आप लगातार चलाते रहिए। देखिए और 5 मिनट हम इसे चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये दूध रबड़ी के लिए एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। अब हम गैस बंद कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसे कप में निकाल देंगे और इसे फ्रीजर में रख देंगे फ्रेंड्स हम कम से कम 4 घंटे के लिए। देखिए अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे 4 घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी रबड़ी बिल्कुल भी रेडी है फ्रेंड्स। मैंने इसे 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम थोड़े से पिस्ता, काजू और बादाम से इसे गार्निश करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारी मलाई रबड़ी रेडी है फ्रेंड्स बिल्कुल भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।